स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। कारगिल विजय दिवस पर शुक्रवार को घुघरिया खीरी स्थित शहीद स्मारक पर वीर जवानों की शहादत को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक का समिति के पदाधिकारियों, ग्रामीणों एवं समाजजनों ने अमर शहीद राजेंद्र यादव के स्मारक पर शाम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। यहां कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जवानों को याद करते हुए कहा कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम सब भारत माता के उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश का सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। वक्ताओं ने कारगिल युद्ध को याद करते हुए कहा कि उस दौरान दुश्मनों ने छल से भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत के वीर जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को खदेड़ दिया था। साथ ही उन चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था जिन पर दुश्मन देश ने कब्जा किया था और इन चोटियों पर फिर से भारत का झंडा लहराया था, जिसके बाद से आज तक दुश्मन देश कभी भी भारत पर हमला नहीं कर पाया। वह सिर्फ नापाक हरकतें करना जानता है, जिसका भारतीय सेना और वीर जवान हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस दौरान शहीद यादव की पत्नी प्रतिभा यादव सहित परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय का जयघोष गुंजायमान होता रहा। कारगिल विजय दिवस पर शुक्रवार को घुघरिया खीरी स्थित शहीद स्मारक पर वीर जवानों की शहादत को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक का समिति के पदाधिकारियों, ग्रामीणों एवं समाजजनों ने अमर शहीद राजेंद्र यादव के स्मारक पर शाम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। यहां कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जवानों को याद करते हुए कहा कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम सब भारत माता के उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश का सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। वक्ताओं ने कारगिल युद्ध को याद करते हुए कहा कि उस दौरान दुश्मनों ने छल से भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत के वीर जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को खदेड़ दिया था। साथ ही उन चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था जिन पर दुश्मन देश ने कब्जा किया था और इन चोटियों पर फिर से भारत का झंडा लहराया था, जिसके बाद से आज तक दुश्मन देश कभी भी भारत पर हमला नहीं कर पाया। वह सिर्फ नापाक हरकतें करना जानता है, जिसका भारतीय सेना और वीर जवान हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस दौरान शहीद यादव की पत्नी प्रतिभा यादव सहित परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय का जयघोष गुंजायमान होता रहा। बाई प्रतिभा यादव शहीद राजेंद्र यादव की पत्नी। बाई नासिर खान। भूमि मेरी यही, कर्म भूमि मेरी यही, रण भूमि मेरी यही, भारत माता चाहे हर नौजवान से कि वो अमर शहीद राजेंद्र यादव जैसा अमर बनने का प्रेरणा यही यही इस समय का, इस गुरानित समय का अनुसरण करने का ये समय है, याद करने का और प्रेरणाओं से भरने का कि मेरा भारत का हर नौजवान इस प्रेरणा से भरा रहे कि जब भी दुश्मन की आंख हमारी तरफ उठे तो हम बिल्कुल अमर शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव सेवा मेडल के जैसा शूरवीर का हम जो हैं परिचय दें और हम दुश्मनों के दांत खट्टे करें। जय हिंद, जय भारत। क्या संदेश देना चाहेंगे? कारगिल विजय दिवस की सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यही संदेश देना चाहूंगा कि ये क्षण दुख का कहे या सुख का कहे, लेकिन यही है कि मुझे मेरे पति पर बहुत गर्व है जिन्होंने भारत माता पर, अपने राष्ट्र पर सर्वोच्च निछावर कर दिया। और जब मेरे पति की शहादत हुई तब मैं 2 महीने गर्भ से थी और उस उन्हीं के रक्षाकर्मी पर चल रही थी। और मैं देशवासियों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को कि देश की रक्षा करना ही बच्चों का काम होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। और
आ जाइए कि अगर कोई आर्मी में जाता है या अगर किसी भी आर्मी के पैरामीटर पर अगर नहीं उतरता है तो ये नहीं निराश नहीं होना है कि हमारा आर्मी में नहीं हुआ। अगर नहीं भी होता है तो यहाँ रहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, हमारे देश के लिए अच्छे काम किए जा सकते हैं। मैं सही समरसता मिशन से जुड़ी हूँ, उनके संस्थापक श्री मोहन नारायण जी हैं और मैं इसी तरह जो शहीद हो जाते हैं उनकी वीर नारियों के लिए और उनके परिवारों के लिए काम कर रही हूँ। इसी तरह देशवासियों को यही संदेश है कि आप भी इसी तरह काम करिए और अपने देश को सहयोग दीजिए। जय हिंद। शहीद राजेंद्र यादव जी जब आपके साथ जा रहे थे और इसी जगह पर उन्होंने एक बार आपसे कहा था कि वह अपन यहाँ पर एक भव्य आलिशान मकान बनाएंगे, वो पल कैसा था और उस वक्त की बात को आप साझा कर सकते हैं मीडिया से? जी, मैं जब शादी होकर ही आई थी और इसी जगह पर जब कुछ नहीं था तो राजेंद्र जी ने गाड़ी रुकवा कर यही कहा था कि ये जो जगह आप देख रहे हो यहीं पर जब मैं रिटायर होकर आऊँगा तो मैं यहीं पर अपना घर बनाऊँगा और यहीं पर अपन रहेंगे। और ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे, मैं तो इसे सौभाग्य ही कहूँगा कि आज भी ये मेरा घर है और ये मेरे पति का मंदिर बना हुआ है। उन्हें कब पता चला था कि आप गर्भवती है? वो 1999 में जब 20 मार्च को छुट्टी पर आए थे और उनको जाना था 13 मई को और उनको 10 मई को ही पता चला था कि वो पापा बनने वाले हैं और उनके पास अचानक लेटर आना यूनिट से और उनको वापस युद्ध पर जाना। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे, तो उनके पास आ गए थे, उन्होंने पूरी हकीकत नहीं बताई लेकिन इतना ज़रूर बताया कि कारगिल में जंग छिड़ चुकी है और वहाँ से लेटर आया तो मुझे जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।